भाई इनकी अलग ही चल रही है कहानी। मम्मी को मनीष ऑफर कर रहा है कि खिलौने देख लो नाती पोतों के लिए। मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप लोग कितने निर्दयी हो चुके हो। तो मदर इन लॉ को मनीष बता रहा है कैसे कैसे करना है। ये लोग मेरे को छोड़ के गोलगप्पे खा रहे हैं। ये देखो भाभी का मुंह मेरे को छोड़ के। तो अभी मैं ना फ्रेश होने जा रही थी, नहाने जा रही थी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ना सब्जी बना लेती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर पसीना पसीना होगा, इससे अच्छा मैं बाद में नहा लूंगी। आज मेरा मिस हैपनिंग डे है, तो आज मेरे साथ हुआ क्या मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सब्जी बनाना स्टार्ट किया और देखो क्या हुआ। सबसे पहले ये ब्लेड देखो, ये एक साइड का ब्लेड है, एक साइड का नहीं है। मैं इसमें टमाटर पीस रही थी और ब्लेड टूट गया, ठीक है। और जब ब्लेड टूटा इतनी गंदी आवाज, मतलब मैं मिक्सी चला रही थी तो एकदम से आवाज आई। मैं इतनी जोर से डर गई ना, मुझे लगा शायद मिक्सी में कोई दिक्कत हो गई है। मेरे आधे टमाटर पीसे थे, आधे नहीं पीसे थे, मैंने वैसे ही निकाल लिए और देखा तो ब्लेड टूट गया था। चलो वो हुआ सो हुआ। मैंने सब्जी का मसाला रखा कि मैंने कहा जब तक पकड़ा है, मैं बिल्कुल बाहर ही बैठी थी, मैं काम कर रही थी अपने लैपटॉप पे, कुछ ब्रांड्स का काम था तो मैं वो कर रही थी। एकदम से ना मुझे स्मेल आई जलने की, जबकि सिम पे गैस था और मेरी सब्जी का जो मसाला है वो थोड़ा बहुत जल गया। जल एज इन कि लग जाता है ना जैसे कढ़ाई में, वो हो गया। वो भी दिखाती हूँ, ये देखो मेरी सब्जी थोड़ी सी आपको मतलब लग रहा होगा ना काली हो गई है। वो काली इस वजह से हुई है क्योंकि आज मेरा मसाला जो है कढ़ाई में चिपक गया था, तो इस वजह से ये हो गया। जब मेरे साथ एक ऐसी कोई वो होता है ना कि कोई दिक्कत हो जाती है या मेरे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा होता, अगर एक चीज ऐसी होती है ना फिर सारी चीजें ऐसे होती जाती है। अभी ये दो चीजें हो चुकी है, अभी मेरा दिन स्टार्ट हुआ है, तो आगे आगे देखते हैं अभी होता है क्या। बाकी चलो सब्जी तो मतलब टेस्ट उतना नहीं बिगड़ा है, वो टेस्ट मैनेज हो जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत ही अगर लगा हो ना कढ़ाई में, यूजुअली लग जाता है, बट मेरा पहली बार लगा था, पहली या दूसरी बार शायद। तो ये दो चीजें हो चुकी है, आगे देखते हैं। सबसे अच्छी चीज जो मैंने उस टाइम पे की ना मिक्सी के टाइम पे, कि मैंने ना एकदम से जब आवाज आई ना मैंने पैनिक होके ना हाथ नहीं हटाया मिक्सर से। अगर मैंने हाथ हटा लिया होता ना पैनिक करके, तो वो जो भी टमाटर और ब्लेड उसमें कटा हुआ था ना सब मेरे मुंह पे आता सीधा। बट मैंने पैनिक नहीं हुई मैं, और मैंने हाथ नहीं हटाया, मैंने सबसे पहले स्विच बंद किया और उसके बाद मिक्सी शांत हो गई, तो ये मेरे लिए थोड़ा आज बेटर हो गया। मैंने पूजा कर ली है और नवरात्रि चल रही है, तो यही होता है हमारे घर में कि जो भी पहले नहा लेता है, मैं या मनीष जो भी, तो वो आके जोत जला लेता है। तो मैं पहले नहा ली थी तो मैंने जोत जला दी है, पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। खाने का टाइम हो चुका है तो मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। मनीष अभी काम से अपने बाहर गए हुए हैं, तो मैंने कहा जब तक मैं खा लेती हूँ तो उसी के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी रोटी बनके तैयार है, मैंने अपने लिए दो रोटी बनाई है तो, और यहाँ पे साथ के साथ मैंने किया सब्जी गरम, ताकि थोड़ी गर्म हो जाएगी तो खाने में ईजी रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज देखो कौन है साथ में, आज पूरी फैमिली साथ में है। लास्ट व्लॉग भी आपने मेले का देखा है, लास्ट व्लॉग भी मेले का था, ये व्लॉग भी मेले का है, और आज पूरी फैमिली आई है। हमने पूरी फैमिली को बुला लिया है मेले पे जाने के लिए, तो दिखाते हैं आपको। ये वाले मेले में ना बहुत ज्यादा भीड़ है, देखो पूरा भरा हुआ है, और आगे चल रही है, उधर सामने चल रही है रामलीला, कुछ चल रहा है वहाँ पे, आज कुछ वीवीआईपी आए हुए हैं। और यहाँ पे देखो झूले, ये रे मिस्टर गुप्ता। इस वाले मेले में हद से ज्यादा भीड़ है, हद से ज्यादा, ये देखो। ये देखो यहाँ पे रावण भी लग चुका है, क्योंकि आज अष्टमी तो हो गई है इसलिए रावण भी लग गया है, क्योंकि परसों ही दशहरा है और यहाँ पे रामलीला चल रही है। भाभी, हेलो, कैसे
भैया ले रहे हैं गन। भाभी भाभी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये है हमारे बचपन की यादें, अब तो ये बहुत ज्यादा अलग हो गई है। मारो इनकी, अलग ही चल रही है कहानी। आप ले रहे हो क्या? हाँ ऐसे ले रहे मस्ती कर रहे हैं। यो आज आज आप दोनों ट्विनिंग कर रहे हो भाभी, आज आप दोनों ट्विनिंग कर रहे हो है ना। अब आज की प्रॉब्लम है गाइस, पकड़ पकड़। क्या हुआ? ये लोग ना ये बोट वाले भैया से मजाक कर रहे हैं कि हम दीपू को इसमें बिठा सकते हैं। वो भी शौक में चला गया। ये लोग क्या बोल गए? दीपू देख रही है भाई, वो झूला बहुत प्यारा लगता है, देखने में ही अच्छा है। वो मम्मी को मनीष ऑफर कर रहा है कि खिलौने देख लो नाती पोतों के लिए। क्या खिलौने? ये तो कोई कह लिया, मुझे दुख है इस बात का। वाह वाह वाह, देख लो इनका दुख। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी चलते चलते हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे जूस की दुकान है, तो हम लोगों ने सोचा पाइनएप्पल जूस पी लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद घूमेंगे पूरे मेला में। ये देखो हमारी मम्मी थोड़ा शौक में आज पता नहीं क्यों, और ये दोनों वेट कर रहे हैं अपने अपने जूस की। इनका डिफरेंट है, कुछ नहीं तुम लोग वो ले लो, भैया दे रहे हैं। जितने ध्यान से तुम लोग जूस देख रहे हो ना, उससे पता लग गया तुम्हें जूस पीना है। सब आ चुके हैं इधर, उधर थोड़ी खाली जगह है तो हमने कहा इधर पहले घूम लेते हैं, उसके बाद उधर जाके फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी मार्केट लगी है, स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे। ये साड़ियाँ हैं, इनके प्राइजेस आप आके पूछ सकते हो। और यहाँ पे सारा बंजारा वाला सामान है, और यहाँ पे लोग खरीद भी रहे हैं सारा सामान। और इनको कुछ लग रहा है पसंद आ गया, क्या पसंद आया देखते हैं। इनको चूड़ियाँ पसंद आई है, चूड़ियाँ ये तो प्यारी प्यारी चूड़ी है, सारी है 100-100 रुपए की। 100 का पूरा ही सेट है, 100 का सेट। और यहाँ पे पेंडेंट जेबा भी, इनका क्या प्राइस है? इनका क्या प्राइस है? 50-50 का है। इनमें से कोई भी तरह तो नहीं, बट हाँ कभी कभी की तरह सिर्फ हमने देखा लिया, कुछ नहीं अभी लग, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें हैं हमें। ओ वाह ये देखो कितनी प्यारी टेबल और ये चेयर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बैठ के देखे, देख ले पुराने जमाने वाला लग क्या हुआ? कुछ नहीं ले रहे नहीं, क्योंकि हमारे पास है चीज है ना, इसलिए हम कुछ नहीं ले। मम्मी हाँ ये सूट बहुत प्यारा है, कितने का ये? सबके अलग अलग प्राइस है, क्या पूछे? चलो आगे चलते हैं, चरपाई मम्मी को पसंद क्या? चरपाई हमारे घर बच्चे होते तो मैं ले लेती। मुझे दिला दो, मैं अभी तो मैं हूँ ना, तू बच्ची है भाभी, अभी तो मैं हूँ। लास्ट टाइम भी इनकी दुकान की वीडियो मैंने बनाई थी, बहुत अच्छे बैग्स हैं इनके पास, सब लोग देख रहे हैं अभी यहाँ से। नाइस बैग्स, यहाँ पे आदिवासी तेल का भी स्टॉल लगा हुआ है। मनीष को चलते चलते ना यहाँ पे कीचेंस दिख गया, और उसको कीचेंस बहुत पसंद है। पहले हम चले गए थे वापस, पर वो हमें बता रहे कि इतने के मिल रहे, तो हमने कहा अब ले लेते हैं, डिसाइड कर रहे हैं। वो पसंद कर रहे हैं, और बहुत ऐसी रेयर चीज होती है जो भैया को पसंद आती है। देख रहे गाइस, देख लो गाइस, हमें एक ये वाला पसंद आया था, बट ये ना ये कांच का है, तो हमें डर लग रहा था ये टूट सकता है। क्या बोलती हो, है ना? कुछ चॉइस चूज किया? बिजी हैं गाइस, बिजी चूज कर रहे हैं। तो फाइनली हमने किचन ले लिए हैं, भैया ने पसंद कर लिए। कितने लिए? 5। ये तुम्हारी स्कूटी में लगाए,
बढ़िया है। यहाँ चूड़ी की दुकान पे सब लोग चूड़ियाँ देख रहे हैं। क्या दिखा रहे हो? वेबसाइट नमो। अच्छा, नरेंद्र मोदी उस पे साइन इन कराया था ना, रजिस्टर कराया था। और यहाँ पे चूड़ियों की शॉपिंग चल रही है। एवरीबॉडी नहीं पसंद आया? नहीं। चलो पिंक पिंक है। ओके कोई और देखते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं। ये वही वाला मेला है जहाँ पे मैं और मनीष लास्ट टाइम आए थे। इससे पहले ना अभी हम लोग इस सेक्टर 10 के मेला में गए थे और वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हम लोग वापस आ गए और हम अब आए हैं सेक्टर 11 के मेला में। ये देखो, ये सामने तीनों बहन भाई पता क्या कर रहे हैं? बंदूक देख रहे हैं, मतलब लिटरली बंदूक देख रहे हैं बच्चों वाली, ये तीनों अलग से। और यहाँ पे ये देखो तीनों के तीनों ये बंदूकें देख रहे हैं, खिलौने बच्चों के। और यहाँ पे मम्मी और मैं बैग्स देखने आई हैं। यहाँ बैग्स अच्छे हैं, बड़े बैग्स भी हैं, छोटे भी हैं, काफी अच्छी रेंज है बैग्स की। आपके पीछे ही है देखो, पता नहीं क्या देख रहे हैं दोनों बहन भाई। 10 साल मायने रखता कोई झाड़ू 10 साल चलेगी? पागल बनाने वाले काम है। ये लोग मेरे को छोड़ के गोलगप्पे खा रहे हैं। ये देखो भाभी का मुंह, मेरे को छोड़ के क्यों भाई? मैंने तेरे को भी ऑफर दिया है, मेरा फास्ट है ना। भैया कह रहा है कि ये ना गोलगप्पे यहाँ पे खा सकते हैं। और यहाँ पे देखो स्टॉल खाने की कितनी सारी लगी हुई है, दूर दूर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा खाने का स्टॉल है। ये गोल गोल घूम के पूरा इधर खाने का स्टॉल है। और बाकी ये कुछ लोग मुझे छोड़ के खाते हुए यहाँ पर देखो, ये दिल्ली की स्टॉल भी मिलेगी, चांदनी चौक की भी मिलेगी, और यहाँ पे एक जगह बिहार की स्टॉल भी है तेरा, और एक है बॉम्बे, यहीं पे आपको दिख रहा होगा बॉम्बे अड्डा। मतलब यहाँ पे खाने की हर जगह की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे राजस्थानी थाली, बताओ, हर जगह का खाना आपको एक जगह मिलेगा। मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप लोग कितने निर्दयी हो चुके हो। तो गाइस यहाँ पे हो रही है पापा की बातें। पापा को फोन किया था मैंने, पापा सो चुके हैं, खाना नहीं खाया पापा ने, वही बातें कर रहे हैं लोग। कोई व्लॉग में भी बोल लो कुछ। ये देखो क्या आया? ये आया है पाव भाजी आए, और हमने एक चाउमीन लिया, हम लोग शेयर करके खाएंगे। मनीष नहीं खा रहे हैं, संगीता का वर्त है, और खा कौन रहा है? मैं, मम्मी और दीपू सिर्फ। और मैं भाभी का फाइनल लुक दिखा देती हूं। फाइनल दिखाया मैंने, अपने कपड़े नहीं दिखाए। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है भाभी। और मैंने भी सेम, थोड़ा थोड़ा सेम सूट पहना है भाभी जैसा ही। हाँ, और पता है लास्ट टाइम भी मैं आई थी ना, मेरी चप्पल इतनी गंदी हो गई थी, और आज भी हालत देख। और गाइस भाभी के साथ एक चीज और हो गई, भाभी के पायल टूट गए। हाँ, आज मेरी पायल टूट गई बेचारी। मैं कल वहाँ जाऊंगी, ज्वेलर्स पे जाऊंगी और उसको ठीक करा के आऊंगी, वो मेरी शादी की पायल है। और भाभी ने आज तक पायल उतारी नहीं है। आज तक नहीं उतारी, आज मैंने उतारी है ना, तो मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि मेरी पायल उतर गई, बट मैं पहन लूंगी कल। लास्ट टाइम ये मैंने भी खेला था, आज दीपू संगीता सब लोग खेल रहे हैं, सब मनीष सिखा रहे हैं इन्हें। यहाँ पे दीपू मनीष की हेल्प लेके गुब्बारे पे गुब्बारे फोड़े जा रही है। ये देखो बंदूक देखो इसकी कहाँ जा रही है। अब संगीता की बारी है, मनीष अब इसको सिखा रहे हैं। जाएगा, गया 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 गया, एक और टर्न, ये गया 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 गया। अब बारी है मदर इन लॉ की, तो मदर इन लॉ को मनीष बता रहा है कैसे कैसे करना है। जाएगा जाएगा जाएगा, ये गया गया, ओ ये भी
लगा। अब हम जा रहे हैं वापसी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी रात के 12:01 बज रहे हैं, सामने रील बन रही है और अभी तक यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ है। अब हम जा रहे हैं घर वापस। हम लोगों ने बहुत घूम लिया। सब आ रहे हो? अब हम जा रहे खा भी लिया। मम्मी कह रही है इन लोगों ने बहुत सारा खा लिया, पापा के लिए भी ले जा रहे हैं, पापा के लिए भी ले जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं घर और हम थक चुके हैं। चलो बैठो।